सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ मार्केट ईद की कुछ खुश शॉपिंग करने के लिए और शादी के लिए। तो मैं रमज़ानों से पहले गई थी, तो कुछ अपने लिए थोड़ी थोड़ी शॉपिंग कर लाई थी और जो कुछ रह गई है। तो आज जा रही हूँ, अम्मी को भी लेना है, अम्मी की शॉपिंग करा दें आवान की, और मेरी देवरानी जा रही है, तो हम लोग सब लोग साथ में मिल के जाते हैं शॉपिंग के लिए और ईद की शॉपिंग करेंगे प्लस शादी की भी शॉपिंग करेंगे। चलिए चलते हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोग प्लीज़ पूरा मेरा ये ब्लॉग जरूर देखिएगा। चलो चले, मम्मी को छोड़ दो अपनी, पल्लू चलेंगे, बज्जू बज्जू मालकित चलेंगे, कप्पी कप्पी लेंगे, का लेंगे कप्पी लेंगे। तो हो गया अवान के कपड़ों का सिलेक्शन और हुरिन के भी कपड़ों का सिलेक्शन, तो हम लोगों ने वो ले लिए। फिर आ गए हम लोग अम्मी के कपड़ों के लिए, तो जो उनके लिए सूट्स लिए वो ले लिए। फिर मैचिंग के लिए चूड़ी, तो सूटों के लिए चूड़ी तो बनती है, तो बस हम लोग यहाँ पर चूड़ी मिलवा रहे हैं मैचिंग की। और फिर बस और थोड़ी थोड़ी शॉपिंग कर ली, बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और फिर उसके बाद जो है ना ये हम लोग घर के लिए निकल गए। और ये देखिए कितना रौनक है मार्केट में, कितना अच्छा लग रहा है, और खूब सजावटें भी हैं, ईद का मौका है। तो बस फ़िलहाल हम लोग अब जा रहे हैं घर, और बहुत ज़्यादा थकान हो गई और प्यास भी बहुत लगने लगी थी, तो फिर गन्ने का जूस हम लोगों ने सबने पिया। तो अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को जो मैं शॉपिंग करके लाई थी, ये दूसरे दिन की क्लिप है, तो आप लोग वो देखिए जल्दी जल्दी आवान के और हुरेन के। तो बस ये मैंने ना स्पीड में जो एक क्लिप लगाई हुई है, तो मैं ऐसे ही आप लोगों को दिखाऊंगी। और वाकई जो पूरा लुक आएगा ना, मतलब जो मैं पूरा बच्चों का जो लुक होगा वो शादी में ईद में दिखाऊँगी, जैसा भी होगा आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो फिलहाल अभी आप लोग ये देखिए कि क्या क्या मैं लेकर आई हूँ। और ये एक सूट मैंने निकाल लिया है अम्मी का सिलने के लिए, क्योंकि ईद में मैं सिल लूँगी तो वो पहन लेंगे, और बाकी सूट हम जा रहे हैं डालने के लिए, उनके सिल जाएंगे। और ये देखो मैंने कटिंग भी कर ली थी और उनका हम सिल देंगे, क्योंकि टाइम ही एक दो दिन बचे हैं तो टेलर भी नहीं सिलेंगे, तो मैंने सोचा लाओ मैं ही सिल देती हूँ ताकि वो ईद में पहन सकें, क्योंकि बहुत ही लास्ट टाइम पर जो है हमारी शॉपिंग हुई है ईद की और शादी की। तो बस चलिए, और ये हो गया है नेक्स्ट डे, तो बस अवान स्कूल जा रहे हैं, तो उनकी फरमाइश थी कि वो चीले लेकर जाएंगे, तो उनके लिए बस फटाफट से क्विकली जल्दी से बेसन में जीरा नमक मिर्ची वगैरह ये सब मिला के उसकी ब्रेकफास्ट लंच के लिए मैं बनाने लगी हूँ चीले। तो बस जल्दी से फटाफट मैं बना देती हूँ और अवान चले जाएँगे। पीछे बैठे हुए
फॉर्म क्या होता? पीटीएम, पी से पेरेंट, पेरेंट टी से टीचर और एम से मीटिंग। अलविदा, जुमा मुबारक हो सबको बहुत बहुत। आज रमज़ान का आखिरी दिन है, लोगों की अलविदा जुमे के साथ तो सब लोग बहुत ज़्यादा मुबारक हो। बस अब रमज़ान जा रहे हैं, इस बात का भी गर्व, कल ईद है, इस बात की भी बहुत ज़्यादा खुशी है। तो बस फ़िलहाल मैंने भी नहा लिया है और ये भी पहना है अलविदा जुमे का अपना नया येलो कलर का ये आउटफिट। मैं भी आपको पूरा लुक दिखाऊँगी, उससे पहले ना जल्दी से मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, बहुत टाइम हो रहा है, अवान लोग मिल चुके हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। बस उसके बाद ना उनका लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये क्लिप हमारे रमज़ान के महीने की लास्ट अफ्तारी की क्लिप है, तो ये सब साथ में मिलकर हम ब्लॉग तैयार कर रहे हैं। और ये ब्लॉग जो है ना मेरा बहुत ही लेट जा रहा है, क्योंकि उसके बाद से मेरे घर में बहुत सारी ऐसी कंडीशन हो गई थी जो अभी आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। और बस अब ये नेक्स्ट डे हो गया है, ईद का दिन है और ईद के दिन में भी सबकी तबीयतें ख़राब हैं। अम्मी नहीं है, अम्मी अर्जेंट भोपाल। वालेकुम अस्सलाम, मुबारक हो, जाओ नमाज पढ़ने जाओ जल्दी। बाबा और मानू आ जाए, क्या हो गया? क्या हो गया बन? चाचा की वजह से सब लेट हो गए। क्यों? चाचा की तबीयत ठीक नहीं है ना। अवान को पठानी सूट दिखा वन, और ये जा रहे हैं नमाज पढ़ने। खुशी तो देखो ईद की, मुझे ईदी मिलेगी, मैं गुल्लक में भरूंगा। बस ईदी मिलेगी तो गुल्लक में भरोगे? हाँ, अरे अरे इतनी ईदी मिल जाएगी, साइकिल खरीद लेंगे। और कार से नहीं जा रहे, कार से जाएंगे तो। जाओ अल्लाह हाफिज़। अम्मी जो है ना भोपाल चली गई ईद वाले दिन रात को 2 बजे, क्योंकि हमारे खालू जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी। और तो और बस ईद के 9-10 बजे का टाइम था, मेरी देवरानी की बहुत ज़्यादा उसकी भी हालत ख़राब हुई थी। फिर हम लोग हॉस्पिटल चले गए, पूरा दिन उसी में लग गया, मतलब 4-5 बज गया था वहीं। फिर शादी हुई, गन्ने का जूस छप्पन और 55 कहीं नहीं रुक रहे, सीधे घर चले। मम्मी घर का क्या? गाड़ी कहाँ खड़ी करोगे यहाँ पे? अंदर जा।
तो उसको दिखा लिया, दवाई वगैरह ले ली और मुझे भी दिखाना था तो मैंने भी दिखा लिया। तो आज जो ईद का दिन है ना, हॉस्पिटल में निकल गया और मुझे जाना है ललितपुर शादी में अपनी बहन की, तो थोड़ी बहुत तैयारी रह गई थी लेने के लिए। तो वो ईद वाले दिन में देखो मेरी सैंडल्स वगैरह रह गई थी लेने को, तो फिर मैंने वहीं से मार्केट से वो ली क्योंकि मुझे जाना भी है और पता नहीं फिर कैसी क्या तैयारी हो पाएंगी, तो जो जो हो पाए तो लेते चलो। तो वहीं मैं गई थी, वहीं तक चलो तो ले ही ले। मन की मिल गई तो दांत तो दिखा दो। ये देखो भाजी, ये तो पागल हो गए। गाइस ये देखो, ओ मेरे नोटों की गड्डियां, तुम तो मानो बन रहे श्रीदेवी। अमान हो गए लखपति, जूस पिलवा रहे हैं। अमान ईदी मिल गई तो मैंगो शेक देखो, इनकी जेब भरी हुई है, दिल बड़ा हो गया है लड़के का, कह रहा है मेरी तरफ से पार्टी आज तुम लोगों को। लाम दे दे रहे, लो कचार का लिया है, आपने पियोगे आप तो अवान को पैसे ना देने पड़े, इसलिए अवान ने गिलास वापस कर दिया। पैसे तो फिर भी आपको देने पड़ेंगे, आपको पैसे फिर भी देने पड़ेंगे। आपने वादा करा था कि आप सबको जूस पिलाओगे, ठीक है ना? क्यों तोड़ दिया वादा? क्या तोड़ दिया वादा? ठीक है ना, फिर अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। वादा क्या तोड़ दिया? फ्रूटी हट गई, हटा दी हमने। लो करती हूँ उस ब्लॉग का ही एंड, और आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। और जो इसके बाद के जो ब्लॉग आने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, क्योंकि शादी के वो मैं जा रही हूँ ललितपुर। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बस मिलती हूँ मैं नए और मज़ेदार से ब्लॉग के साथ, जब तक लिए अल्लाह हाफिज़।